कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम आज नंदीग्राम पहुंच गई है। नंदीग्राम के अलावा सीबीआई अधिकारी ने खेजूरी का भी स्पॉट विजिट किया है। देखिए पूरी खबर। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले की जाँच कर रही सीबीआई की टीम आज नंदीग्राम पहुँच गयी है। नंदीग्राम के अलावा सीबीआई अधिकारी ने खेजूरी का स्पॉट विजिट कर रहे हैं। दूसरी ओर सीआईडी टीम बिरुलिया बाजार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने की घटना की जांच करने भी नंदीग्राम पहुंची है। बता दें कि चुनाव बाद हिंसा के सिलसिले में सीबीआई ने 3 और मामले दर्ज किए हैं। इसी के साथ अब हिंसा मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज कुल मामलों की संख्या 31 हो गई है। गौरतलब है कि हिंसा मामले की जांच के लिए सीबीआई ने पिछले दिनों 109 अधिकारियों की टीम गठित की थी। इसके बाद से हिंसा की जांच के लिए गठित सीबीआई की टीमें अपराध स्थलों पर जाकर मामले की पड़ताल कर रही है। दूसरी ओर सीआईडी ने बिरुलिया बाजार परिसर का दौरा किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पैर बिरुलिया बाजार में घायल होने के मामले में स्थानीय लोगों से बात की। बंगाल चुनाव के दौरान नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा था, लेकिन ममता बनर्जी हार गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनाव से पहले प्रचार करते हुए बिरुलिया बाजार में अपना पैर घायल हो गया था। तृणमूल सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, पहले दौर के मतदान से एक रात पहले 26 मार्च को रॉबिन मन्ना समेत कई टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी समर्थित बदमाशों पर हमला करने का आरोप लगा था। उस हमले में रॉबिन गंभीर रूप से घायल हो गया थे। उनकी शारीरिक स्थिति लगातार बिगड़ने पर उन्हें एसएस केम में भर्ती कराया गया था। 2 हफ्ते बाद रॉबिन की वही मौत हो गई थी। एक जनसभा में रॉबिन की मौत का मुद्दा उठाते हुए ममता बनर्जी ने निर्देश दिया कि चुनाव जीतते ही सीआईडी करेगी। बाद में कई बीजेपी नेताओं को सीआईडी ने गिरफ्तार किया था। मंगलवार को बिरुलिया बाजार में मुख्यमंत्री के पैर में चोट लगने की घटना की जाँच के लिए सीआईडी अधिकारी पहुँचे।